दुबई जाते हैं हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से। मैं दुबई जा रही हूँ अपने धंधों से, तो चलिए आप लोगों को आज मैं दुबई घुमाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग वीडियो। स्वागत है आप लोगों का अनिता जी के लाइव स्ट्रीम में। तो फ्रेंड, जैसे जैसे ठंडी आने लगती ना, वैसे हम लोगों के लखनऊ में लग जाते हैं नए नए मेले। तो मेरी कोशिश रहती है लखनऊ में कहीं भी कोई भी मेला लगा रहे या इवेंट्स लगा रहे तो उसको कवर करूँ। तो आज मैं आ गई हूँ दुबई कार्निवाल में। हुआ है ये, लगा हुआ है अर्जुनगंज में, सब्जी मंडी के नियर बाय। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाइए देखिएगा। मैं अपनी वापसी में और लगा दूंगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे स्कूटी पार्क हो रही है 20 रुपए में, कार पार्क हो रही है 50 रुपए में। यहाँ अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और हाँ, उससे पहले आप लोगों को क्या काम कर रहे हैं, जो मैं बोलती हूँ वो काम तो आप लोग करते नहीं, तो प्लीज इस बार कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लग रही है इसके अंदर जाने में। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा ये इवेंट आप लोगों को कैसा लगा। इस इवेंट में आप लोग आए हैं कि नहीं आए ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं, ये अभी कितना प्राइस है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए आइए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ का पार्किंग सेक्शन। और ये मेला 4 बजे से लेके 11 बजे तक रात को खुला रहता है और ये 25 सितंबर तक लगा रहेगा, तो जाना मत भूलिएगा। और यहाँ पे केदारनाथ की तरह थीम बनाया गया है, यहाँ पे शिवलिंग रखी गई, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से ये एंट्री हम लोगों ने कर ली है। तो यहाँ पे ये ना लंदन वाला ब्रिज बना हुआ है, जैसे लंदन में ब्रिज है वैसे यहाँ बना गया है। और दुबई का पूरा यहाँ पे कॉपी किया गया है, लंदन को भी थोड़ा सा कॉपी किया गया है। तो उसके बाद यहाँ जब जाएंगे तो ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा दुबई की कॉपी पे बनाया गया है, बड़ा सुंदर प्यारा, 50 रुपए इसी बात के लिए गए हैं। तो जैसे यहाँ एंट्री करेंगे ना, देख के तो दिल खुश हो जाएगा। रात को जाइएगा आप लोग 8-9 बजे, तो और सुंदर लगेगा। यहाँ मैं इतनी ज्यादा, मुझे मजा आ गया था, आप लोग मेरे चेहरे से देख सकते मैं कितनी ज्यादा खुश थी। यहाँ इस एरिया में बहुत अच्छा लग रहा था, ये सेल्फी पॉइंट एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एफिल टावर आपको देखने मिल जाएगा, क्लॉक टावर दुबई का देखने मिल जाएगा, यूनिवर्सल करके ये देखिए लोगो बना हुआ है ये भी आपको देखने मिल जाएगा, और भी यहाँ पे बिल्डिंग जो दुबई में मशहूर है वो भी देखने मिल जाएगी, और 7-स्टार होटल है। तो जो दुबई तो आप लोग जानते हैं कितना फेमस, कितना सुंदर है, तो वहाँ पे चीज़ें भी बहुत सुंदर है, तो वही सब यहाँ पे है। ये इनकी बिल्डिंग है, ये देखिए एफिल टावर है, बुर्ज खलीफा है, यही सब आप लोगों को देखने यहाँ पे मिलेगा जो दुबई में है। और लखनऊ में ये थीम पे बनाया गया, तो आई लव लखनऊ का लोगो भी आप लोगों को देखने मिल जाएगा, सेल्फी पॉइंट। और यहाँ चंदा मामा दिख जाएंगे, हाफ मून, और ये भी गोल गोल सा कुछ सा। तो ये सब एरिया में पूरा सेल्फी खींचने में लोग लगे हुए थे, हमने भी खूब सारी सेल्फी क्लिक करी। और उसके बाद आपको ये गणपति पप्पा देखने मिल जाएंगे, तो गणपति पप्पा मोरिया। उसके बाद यहाँ से जो ये एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को घर का सामान और दुकानें आप लोगों को बहुत सारी देखने मिलेंगी, खाने पीने के स्टॉल आगे मिलेंगे और झूला मिलेगा। ये सेक्शन अब यहाँ से पूरा अंदर है, ये वाला जो पीछे का एरिया आपको दिखाया यही आपको एक दुबई की थीम पे पूरा बना हुआ दिखेगा, यही सेल्फी पॉइंट है, इसी के 50 रुपए लिए गए। और यहाँ पे देखिए घर का जितना सामान होता है, हाउस होल्ड वाला जो घर की क्लीनिंग में यूज होता है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। जो मार्केट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा और रीजनेबल रेट पे मिलेगा। ये खादी के जेंट्स कुर्ते आप लोगों को देखने मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे से हैं, 300-400 रुपए में खादी के कुर्ते आपको देखने मिल जाएंगे, लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। जन सकते हैं, यहाँ पे कुछ घर का सामान था। और यहाँ पे देखिए भीड़ तो बहुत ज्यादा लगी हुई थी, ये पूरा सेक्शन में खूब लोग खरीदारी करने में जुटे हुए थे। यहाँ पे बच्चों के आप लोगों को टॉयज देखने मिल जाएंगे, बच्चों के खिलौने देखने मिल जाएंगे, कुछ क्राफ्ट के रिलेटेड यहाँ पे काम भी देखने मिल जाएगा, कलर वलर भी देखने मिल जाएगा आप लोगों को अलग अलग रेट में। यहाँ पे लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक का सामान देखने मिल जाएगा, फाउंडेशन, कंसीलर और लिपस्टिक और भी बहुत सारी चीजें जो होती है, ये
में सब कुछ आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। कुछ भी आप लोग लेंगे जितना सामान यहाँ पे देखेगा, तो यहाँ 50 रुपए का ये स्टॉल लगा है। यहाँ पे आप लोगों को चोकर देखने, चोकर सेट देखने मिल जाएंगे जो यहाँ पे 250 रुपए से स्टार्टिंग है और 350 रुपए में भी कुछ है। तो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, जो मीशो में देखते हैं ना वही आप लोगों को यहाँ देखने मिल जाएगा। बस थोड़ा सा हमें लग रहा है प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे 50-100 रुपए, क्योंकि अब यहाँ दुकान लगाए हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट तो लेंगे ही। मीशो में थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और हो सकता है इनकी क्वालिटी और अच्छी हो। यहाँ पे देखिए ये कंगन वंगन भी बहुत सुंदर थे, यहाँ के चूड़ियाँ बहुत सुंदर थी, यहाँ बैंगल तो बहुत अच्छे अच्छे थे जो आपको और मेले में देखने नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा सामान कॉस्टली है। वैसे ये भी बहुत अच्छा है, 250 रुपए में 4 कंगन थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे ये वाले भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो 400 रुपए के थे। और ये वाले देखिए, ये भी कंगन है, 2 कंगन है ये 250 रुपए के, बट इसमें नग लगे हुए ना, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अगर आप साड़ी के ऊपर एथनिक वेयर में पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे, मम्मियाँ पहनेंगी ना तो बहुत सुंदर लगेंगे, जिसकी शादी होने वाली वो भी ले सकते हैं तो सुंदर लगेंगे। तो इनके पास सब सामान था, मीशो का सामान जितना होता है ना था वो यहाँ पे इनके पास ज्वेलरी में। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे ये लोग अपना घड़ी का प्रचार कर रहे हैं। मतलब बताइए, मेले में यहाँ पे घड़ी का प्रचार होता है। अगर आप लोग घड़ी साबुन यूज करते, घड़ी साबुन लवर है, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये छोटे वाले घड़ी साबुन 100 रुपए के 12 हैं और 100 रुपए के 24 हैं, ये बड़े वाले 100 रुपए के 12 हैं, फिर ये 100 रुपए के साथ 5 या 6 हैं, ऐसे ऐसे करके अलग अलग रेट में है। तो यहाँ घड़ी साबुन का भी खूब प्रचार हो रहा है, तो जाके घड़ी साबुन भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सेक्शन लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, टॉप, मिडी और जो भी घर के लोअर बॉटम ये सब मिल जाएंगे। तो ये देखिए लॉन्ग स्कर्ट है यहाँ पे 350 रुपए की, क्वालिटी वाइज अच्छी थी, कॉटन में है, और मीडियम साइज की भी आप ले सकते हैं। स्कर्ट 250 रुपए की थी, तो यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट आपको ज्यादा देखने मिलेंगी, शॉर्ट भी मिल जाएंगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब टॉप भी आपको 350 रुपए, 250, 200 में मिल जाएंगे, कॉटन के हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद ये वाली शॉप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे आप कप प्रिंट करा सकते हैं, फोटो वाले कप प्रिंट करा सकते हैं, टी शर्ट प्रिंट करा सकते हैं, टी शर्ट के कपड़े की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और यहाँ पे आप पिलो भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, और कवर ववर भी, फोन कवर भी आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे कप जो प्रिंट होगा वो यहाँ पे होगा 150 रुपए से शायद, हमें लग रहा है स्टार्टिंग है यहाँ पे, और भी यहाँ पे 350 रुपए में टी शर्ट थी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जूती देखने मिल जाएगी, इन भैया के पास बहुत अच्छा जूती का कलेक्शन है, तो आप लोग जाना देख सकते हैं। ये 2 सेक्शन जो है वो 400 रुपए में जूती है, ये वाला जो सेक्शन अभी आप लोग देख रहे हैं ये 350 रुपए में है, तो बड़ी प्यारी प्यारी सी है, तो देखिएगा आप लोग जाके लेना हो ले लीजिएगा। यहाँ पे 350 रुपए में आपको कुर्ता और बॉटम का सेट मिल जाएगा, तो यहाँ मैं बिल्कुल खो गई थी देखने में, क्योंकि मुझे स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ये सब कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे स्कर्ट भी है लॉन्ग में, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं, ये 350 रुपए में है। बट मैं ना प्लाजो ज्यादा नहीं पहनती हूँ, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई पैंट वाला मिल जाए, बट पैंट कोई था ही नहीं, सब इसमें प्लाजो ही ज्यादातर थे। अगर आप लोग प्लाजो पहनते ले सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, 350 रुपए के हिसाब से A1 है। और आप लोगों को पता है मैं सिल भी लेती हूँ ना, तो इसलिए फिर मैंने ज्यादा ढूंढा टंडा नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखा रही हूँ, कपड़ा वपड़ा छू के देख रही थी कैसा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, पहनिएगा बहुत टाइम तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी आप लोगों को देखने मिल जाएगी, ये 30 रुपीज़ में कुछ ज्वेलरी थी, जो मुझे ये वाली झुमका, ये वाली बाली बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद इनके पीछे भी बहुत सारी इनके पास बालियाँ हैं 100 रुपीज़ की, बट यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, ये हाथ पे पहनने के लिए था 30 रुपए का। यहाँ पे इनके पास सेट आगे देखने मिल जाएंगे जो 150 रुपए में आपको कोई भी सेट ले लीजिए। तो यहाँ पे मुझे ये कि सिल्वर कलर का सेट बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाला जो अभी मैंने हाथ ले जिस पे लगाया, ये लहंगे पे लाइट वेटेड पहनना हो ना तो अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पे ज्वेलरी आपको एक ही दुकान मुझे लग रहा है ये मिलेगी, जिसमें ये ज्वेलरी है, तो ले सकते हैं। यहाँ पे कप है और मग है, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं ये सब चीजें, घड़ी का ये सब सारा सामान आदि जगहों पे लगा है, छोटा सा लगा है, बहुत ज्यादा दुकानें नहीं लगी हैं, जैसे वो वाला जो कौन से जैसे लखनऊ मेला लगता है ना, वो सब वाले तरीके में कि नहीं है, थोड़ी दुकानें हैं यहाँ पे। यहाँ पे खादी की कुर्ती आप लोगों को देखने मिल जाएंगी, जो यहाँ पे 200 रुपए में है, लार्ज एक्सल कोई भी ले लीजिए, सारी की सारी कुर्तियाँ आपको खादी की 200 रुपए मिल जाएंगी। तो ये अंकल की शॉप भी बहुत अच्छी है, तो खादी की कुर्तियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं इनके पास भी। यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर देख, यहाँ पे ये झुमके ना इतनी अलग अलग वैरायटी में देख रहे थे, अगर आप लोग झुमके लवर हैं तो जाके ले सकते हैं, अगर आप लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ किसी को गिफ्ट करना है दोस्त को तो भी कर सकते हैं। ये देखिए आइज वाले बड़े सुंदर लग रहे थे, यहाँ पे बड़े यूनिक आपको झुमके देखने मिल जाएंगे, तो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे यहाँ के झुमके, मैं तो इतना ज्यादा पहनती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने लिया नहीं। चांद बाली आप लोगों को देखने मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए हार्ट
शेप के झुमके भी देखने मिल जा रहे हैं, तो ये आप अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे झुमके थे, तो लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अनस्टिच सूट के कपड़ा आप देखने मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ कोई भी सूट ले लीजिए 1250 रुपए के, तो ऑर्गेन्जा के कपड़ों में भी आपको यहाँ सूट का कपड़ा देखने मिल जाएगा, कॉटन में भी देखने मिल जाएगा। ये सब सूट पार्टी वेयर है, बड़े सुंदर से है। ये जो व्हाइट कलर का है, मतलब ये क्रीम कलर का था, तो ये बहुत सुंदर है। इसके अंदर ना हैवी रुपट्टा है, मतलब रुपट्टे पे भी बहुत अच्छा वर्क हुआ है, बहुत हैवी रुपट्टा है, और सूट भी बहुत मतलब भारी अच्छा है, डिसेंट में बहुत सुंदर लगेगा। लेना चाहे ले सकते हैं, स्टिच करा सकते हैं। और ये वाला पूरा सेक्शन अब आ गया हम लोगों का झूले का और खाने पीने का, तो यहाँ बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। सब देखिए, तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं खाने पीने के सेक्शन में। तो यहाँ पे बड़ा यूनिक सा ये लगा था पालक के बताशे, तो मैंने सोचा चलिए ट्राई करके देखे। तो ये 50 रुपीज़ में 6 पालक के बताशे दिए इन्होंने, पानी आपको नॉर्मल मिलेगा। तो मैंने टेस्ट किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए टेस्ट करूँ, आप लोगों को बताऊँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ये वाला जो टेस्ट है ये ओके है। अगर आप लोग हेल्दी वर्जन खाना चाहते हैं यहाँ पे जाके, तो आप लोग खा सकते हैं, वरना अगर हेल्दी वर्जन में नहीं जाना चाहते तो नॉर्मल बताशे भी आप लोग खाइएगा, वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और 50 रुपीज़ में 6 बताशे बहुत कॉस्टली मुझे लगे, मेरे हिसाब से तो मैं तो कहूँगी आप लोग भी मत ही लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से कॉस्टली है। उसके बाद यहाँ पे यही सब खाने पीने के पूरे स्टॉल लगे हैं, भुट्टा आप लोगों को देखने मिल जाएंगे, अमेरिकन भुट्टा और आइसक्रीम के स्टॉल लगे हैं। तो अच्छा लगा हुआ है, बट ना थोड़ा सा कॉस्टली है। चलिए अभी देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे मजेदार है। तो झूले बोले जिसको झूलना है ना उसके लिए तो मस्त है, झूले आइए एंजॉय करिए। बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, भेलपूरी भी लगी हुई मेरी फेवरेट, बट यहाँ पे मीठी वाली भेलपूरी मिलती है तो मैं तो नहीं खाने वाली। बताशे खाए हैं, ठीक ठाक थे, हेल्दी ऑप्शन अगर आप लोग चाहते हैं तो वो बताशे ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रोजन बिस्कुट देखने मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लोग रील भी बना रहे हैं। ये हेल्थ के लिए ठीक होते हैं, मतलब कुछ भी हेल्थ में नुकसान नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन वाले बिस्कुट हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो अभी आपको आगे पता चलेगा आपकी दीदी इतनी बेवकूफ़ है कि यहाँ देखिए सब लोग मस्त मस्त रील बना रहे हैं। मैं भी पहुँच गई अपनी रील बनाने के लिए, उसके बाद मैंने मुँह बंद कर लिया, इसमें मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और उसके बाद अजीब सा लग रहा था, सिगरेट बाज तो हो नहीं, चाहे कोई सिगरेट बाज हो या ना हो मैं कहूँगी मुंह इसको खोल के रखिएगा। मैंने मुंह ओपन नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा, ठंडा ठंडा लगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फेल हो गया मेरा, बट आप लोग फेल मत करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, तो जाइए एंजॉय करिए, एक बार जाना बनता है। और इस अगर वहाँ इस मेले में जा रहे हैं ना, तो ये नाइट्रोजन बिस्कुट भी ट्राई जरूर करिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा मेरे वाला हाल तो नहीं हुआ आप लोगों के साथ कहीं। चलिए चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए।